और आपको बताएं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। खबर रिसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा कि अफगानिस्तान, इराक और शाम में अमरीकी कार्रवाइयों से उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि इराक और शाम में अमरीका के लिए कोई गुंजाइश नहीं और इन अमरीकियों को बेदखल कर दिया जाएगा। ताहम आयतुल्ला अली खामनाई ने इस ज़िम्न में तफसीलात का तस्करा नहीं किया। रवा साल 3 जनवरी को अमरीका के ड्रोन हमले में ईरान की अलकुद्स फोर्स के सरबराह और इंतहाई अहम कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए थे, जिसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई थी। बाद अज़ां ईरान ने जवाबी कार्रवाई के नतीजे में मिसाइल हमले में 80 अमरीकी दहशतगर्द हलाक करने का दावा किया था, जिसके जवाब में अमरीका के सेक्रेटरी दिफा का कहना था कि अमरीका अपनी अवाम मफाद और हमारे तहादियों के खिलाफ हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसा हमने हालिया महीनों में इसका मुजाहरा किया। हम इराक और खित्ते में मौजूद अपनी फोर्सेज के तहफ्फुज़ के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।